जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनपी स्टडी जोन में। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं महिला एवं बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, महिला परिवेक्ष्य से संबंधित इसमें हम चंद्रयान 3 से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि साथियों आपको आने वाले सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट है और इससे जुड़ी हुई महिला परिवेक्ष्य से संबंधित और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ हमने लिंक दी हुई है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका पहला सवाल है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शन है ए 14 जुलाई 2023, बी 15 जुलाई 2023, सी 17 जुलाई 2023, डी 16 जुलाई 2023। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए 14 जुलाई 2023। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया है? तो ए 14 जुलाई 2023। वीडियो को लाइक करिएगा साथियों और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं चंद्रयान 3 से रिलेटेड। भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है ये चंद्रयान 3, और 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना था। अगला, इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है। चंद्रयान 3 के कुछ पॉइंट्स हमने देखे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। आपका अगला सवाल है, चंद्रयान 3 के मिशन के उद्देश्य हैं। पहला पॉइंट है चंद्र सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करना। सेकेंड, रोवर को चंद्रमा पर भ्रमण का प्रदर्शन करना। थर्ड, चंद्रमा में घर बनाना। फोर्थ, चंद्रमा से मिट्टी लाना। आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए 1 और 2, बी केवल 1, सी 2 और 3, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए 1 और 2। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करना और रोवर को चंद्रमा पर भ्रमण का प्रदर्शन करना, यह चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य है। अगला सवाल है, मिशन चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शन है ए जम्मू, बी चेन्नई, सी दिल्ली, डी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना है? आपके ऑप्शन है ए चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर, बी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, सी चंद्रमा के पूर्वी ध्रुव पर, डी चंद्रमा के पश्चिमी ध्रुव पर। तो चंद्रयान 3 को कहाँ लैंड करना है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा को लैंड करना है। आपका अगला सवाल है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है ए PSLV-9, बी SSLV-7, सी LVM-3 M-4, डी GSLV-5। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? LVM-3 M-4। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो LVM-3 M-4 से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। अब इसके इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चंद्रयान 3 के LVM-3 M-4 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसे पहले GSLV-M-3 के नाम से जाना जाता था। LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क, LVM का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है। पुराना नाम क्या था? जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और GSLV-M-3 कहते हैं। अगला सवाल है, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए CE-23 क्रायोजेनिक इंजन, बी CE-03 क्रायोजेनिक इंजन, सी CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, डी CE-45 क्रायोजेनिक इंजन। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। आपका अगला सवाल है, दोस्तों आप क्वेश्चन के क्वालिटी देख के ही समझ गए होंगे कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। आपका अगला सवाल है, मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए जैक्सा जापान, बी नासा USA, सी इसरो भारत, डी CNSA चीन। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी इसरो भारत ने मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम।
इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, इसरो का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। भारत अंतरिक्ष, हिंदी में क्या बोलते हैं? भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? एस सोमनाथ। 2023 में जो वर्तमान के अध्यक्ष हैं इसरो के वो कौन है? एस सोमनाथ है। पहले अध्यक्ष कौन है? इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे। आपका अगला सवाल है, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं? आपके ऑप्शन है ए, चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन। बी, चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन। सी, वैज्ञानिक अवलोकन का प्रदर्शन करना। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा। इस लैंडर में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहां कुछ प्रयोग करेगा। लैंडर चांद पर एक लूनार दिन तक रहेगा। एक लूनार दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए जरूरी है कि वहां सूरज निकला हो। लैंडर के लिए सनलाइट जरूरी है। चांद पर सूरज 14-15 दिन सूरज निकलता है और बाकी 14-15 दिन सूरज नहीं निकलता है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आपका अगला सवाल है, मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन है? आपके ऑप्शन है ए पहला, बी तीसरा, सी चौथा, बी पांचवा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी तीसरा। जो मिशन चंद्रयान 3 है, जो नाम से ही समझ में आ रहा है कि कौन सा मिशन है, हमारा तीसरा मिशन है। तो मिशन चंद्रयान 3 भारत का कौन सा मिशन हो गया? तीसरा मिशन हो गया। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। आपका पहला सवाल है, पहला चंद्रमा मिशन 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था, दूसरा चंद्रमा मिशन 22 जुलाई 2019 को हुआ था और तीसरा चंद्र मिशन आपने अभी देखा है 14 जुलाई 2023 को गया है। जो पहला चंद्रमा मिशन था वो 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था, ये सक्सेसफुल मिशन था। और जो दूसरा चंद्रमा मिशन है 22 जुलाई 2019 को हुआ था, ये हमारा अनसक्सेसफुल हुआ। ये लैंड होते होते 2.4 किलोमीटर की दूरी पर आके क्रैश हो गया था। और तीसरा जो है अभी कंटिन्यू है। आपका अगला सवाल है, मिशन चंद्रमा 3 की थीम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, इसे ध्यान से पढ़िएगा। मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? आपके ऑप्शन है ए साइंस ऑफ द मून, बी साइंस एंड मून, सी मून इज वेरी नियर, डी इंडिया टूवर्ड मून ऑर्बिट। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए साइंस ऑफ द मून। आपका अगला सवाल है, चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? आपके ऑप्शन है ए लैंडर, बी रोवर, सी ऑर्बिटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी इनमें से कोई नहीं। चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? ये इसमें गलत आंसर है, इसमें ऑर्बिटर नहीं है चंद्रयान 3 में, इसमें गलत आंसर टिक हो गया है यहाँ पे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या है? सी है। इसका सही जवाब क्या है? ऑर्बिटर। चंद्रयान 3 इनमें से क्या नहीं है? तो इसमें ऑर्बिटर नहीं है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। चंद्रयान 2 में लैंडर और रोवर और ऑर्बिटर था। चंद्रयान 2 में तीनों चीजें थी। चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया गया है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें गलत आंसर ठीक है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले ही ऑर्बिट में मौजूद है, जरूरत पड़ने पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की बजाय स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल है। इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं साथियों, से ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं? आपके ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी 3। चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं? 3। वो 3 मॉड्यूलों के बारे में हम अच्छे डिटेल से जानते हैं। चंद्रयान 3 के मॉड्यूल 3 कौन कौन से हैं? प्रोपल्शन मॉड्यूल है, लैंडर मॉड्यूल है और रोवर मॉड्यूल है। प्रोपल्शन मॉड्यूल के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले, अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है जिसे प्रोपल्शन मॉड्यूल कहा जाता है। ये किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है, प्रोपल्शन मॉड्यूल। लैंडर मॉड्यूल क्या कहलाता है? चंद्रयान 3 का ये दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा।
रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। रोवर चंद्रयान का यह तीसरा हिस्सा है। रोवर जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर मूवमेंट कर जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा, ये रोवर का काम हो गया। लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल को तीनों चीजें हमने डिटेल से पढ़ी है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आपका अगला सवाल है, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है? आपके ऑप्शन है ए विक्रम, बी आदित्य, सी बाहुबली, डी प्रज्ञान। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए विक्रम। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? ए विक्रम। दोस्तों आप वीडियो की क्वालिटी से ही देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, इसलिए लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप चैनल में नए हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे महिला पर्यवेक्षक के, और भी अभी छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम चल रहे हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम आएगा। ये क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चन इसमें से आएंगे ही आएंगे, तो इनको ध्यान से देखिएगा और वीडियो खत्म होने के बाद अगर आपको का रिविजन करना है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आपका अगला सवाल है, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है? आपके ऑप्शन है ए आदित्य, बी प्रज्ञान, सी विक्रम, डी बाहुबली। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी प्रज्ञान। मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है? तो बी प्रज्ञान रखा गया है। आपका अगला सवाल है, चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रोटल सक्षम इंजन हैं? आपके ऑप्शन है ए 1, बी 5, सी 4, डी 7। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी 4। इसमें कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन लगाए गए हैं चंद्रयान 3 में? तो 4 सक्षम इंजन लगाए गए हैं। आपका अगला सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा? आपके ऑप्शन है ए दूसरा, बी पहला, सी तीसरा, डी चौथा। सही जवाब क्या हो जाएगा? बी पहला। दक्षिणी ध्रुव तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा है, इसलिए ये पहला देश बन जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बनेगा चंद्रयान 3? हमारा पहला देश बन जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? आपके ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947, बी 28 नवंबर 1956, सी 26 जनवरी 1950, डी 21 नवंबर 1963। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी 21 नवंबर 1963 को भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया था। आपका अगला सवाल है, चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है? आपके ऑप्शन है ए 8 मिनट 16 सेकेंड, बी 15 सेकेंड, सी 1.28 सेकेंड, डी 60 मिनट। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी 1.28 सेकेंड में। चंद्रमा से परावर्तित रोशनी होती है पृथ्वी तक कितना समय लगता है उसे? 1.28 सेकेंड लगता है। आपका अगला सवाल है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? आपके ऑप्शन है ए 1/2, बी 1/4, सी 1/6, डी 1/5। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी 1/6। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? तो 1/6 है। आपका अगला और आखिरी सवाल है ये हमारा इस वीडियो का, सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर कब उतारा गया था? आपके ऑप्शन है ए 1965, बी 1955, सी 1966, डी 1977। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी 1966। साथियों, अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो हमको कमेंट करके जरूर बताइए, और 20 क्वेश्चन में से आपके कितने आंसर सही है ये भी हमको कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।